ये मेरी चाल। अरे यार आज तो अपने लग गए, पूरा पैसा खत्म, अभी अपन नहीं खेलेंगे। पैसे बचेंगे तू अपने लिए साड़ी खरीदेगा या डायपर? हा? तेरी बीवी ना बच्चे तो काय के खर्चे में? देख अपन तो उसके लिए बचाता था जो आप हो गई। एक मात्रा एकदम मस्क थी मस्क। इसको क्या हो गया यार? अबे यार ला इधर। देख तू देख क्या हो गया इसको? तुम लोगों इस रेडियो में से अजीब आवाज आ रही है, सुनाई दे रही है तुम लोगों? अरे यार तेरे आँख के साथ साथ तेरे कान के मशीन का नंबर भी बढ़ गया है। मर गए सब, मर गए थे साहब, ये सब लोग दारू पी रहे थे, पता नहीं अचानक क्या हो गया। और साहब हमने तो सिर्फ आग लगते देखी है, किसने लगाई ये पता नहीं। ठीक है अगर कुछ भी पता चलता है तो हमें खबर कर देना। जी साहब। बोरे ना नंबर घेऊन ठेवा यांचा। मीना क्यों जा रही है? तुझे चौल छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ रुक के भी मैं क्या करेगी था? चलती हूँ। अरे बंद जाओ, आधी रात को कौन नीम खोटी कर रहा है? अरे आ रही हूँ आ रही हूँ। कौन इतनी रात को डिस्टर्ब करने आ जाती है? देवा रे देवा, इसको किसने मारा? और कोई काय को मारेगा? इसने तो कभी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अरे देवा ये सब क्या चल रहा है? परसों तीन मर गए, कल दो मर गए, कौन कर रहे हैं सब कुछ? ये सब इसी की वजह से हो रहा है। आई
आए तू चल यहाँ से। चार में चार पांच लोग मरे हैं और तुझे अपनी बेटी की शादी मनाने की पड़ी है। अरे सुधा और मनोहर तो मेरे परिवार जैसे थे। परिवार जैसा था ना, पर परिवार तो नहीं था। अब आखी मुंबई में हर दूसरे दिन कोई मरता रहता है, तो इसका मतलब क्या लोग शादी मनाना छोड़ देंगे? नहीं ना, अब प्राजक्ता राज को बचपन से चाहती है और जब दोनों का मिलन हो रहा है तो होने दो, जिसको मरना है वो मरता रहेगा। ताई आपने बुलाया? लो आ गई दुल्हन, देख तेरे गहने कैसे हैं? खूब चांगले आए। राज कैसे हैं? गहने अच्छे हैं ना? तो फिर कब लेकर आऊं? दिन में हम मिल नहीं पाते, जब देखो मेरी आई की आंखें मुझ पर गड़ी रहती है। और तुझे पता है मुझे तेरी कितनी याद आ रही थी। रात आई जाग जाएंगी। अगर वो जाग जाएंगी तो कोई बात नहीं, हम सो जाएंगे एक दूसरे के साथ। चुप करो, बदमाश कहेंगे जाओ अभी यहाँ से, कोई आ जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, पहले अपनी आंखें बंद करो। कोई आ जाएगा? अरे कोई नहीं आएगा, तुम आंखें तो बंद करो। ओके। खोला ना। अब खोलो। झुमके बहुत सुंदर है, कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। आइए आइए, यही वो फर्स्ट क्लास एरिया है, इधर रहने का है आपको। आइए, इधर पानी का कोई तकलीफ नहीं है, मजा आएगी पानी में नहाने की। आइए आइए, एंट्री हमारी, आइए, एकदम फर्स्ट क्लास। आइए, ये देखो आपके बजट में ये कोई महल से कम है, एकदम फर्स्ट क्लास। मुंबई में लोग इसे चाली बोलते, चौल कुछ भी बोलते इधर के लोग। इधर के लोगों का ज्यादा सुनने का नहीं, जो अपना दिमाग बोलता है करने का। ये लो चाबी भाभी जी। लो लो लो, जय श्री कृष्ण भाई, जय श्री कृष्ण भाभी। आराम से रहो। योगिनी, तुम्हें घर ठीक तो लगा ना? इससे ज्यादा अच्छा हमें महंगा पड़ेगा। अनंत, मैं सब समझती हूँ, इससे बेहतर और क्या होगा? यहाँ कम से कम हमें कोई खतरा तो नहीं है ना? कम से कम वो पागल सरपंच हमारा यहाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, है ना? सही कह रही हूँ।
इतनी रात को कौन आया होगा? कौन है? कौन है? क्या बोला था तुम लोगों को? मना किया था ना शादी मनाने के लिए? माँ बेटे की पापू की सजा पूरी चाल भुगत रही है, एक एक करके सब मर रहे हैं। पुलिस आके क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। वो अपना बदला लेके रहेगी, जितना जोर लगाना है ना लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। काय राडा तालो ये तुमचा? काय का राडा? ए बुढ़िया, बहुत हो गया तेरा बोल वचन, चल निकल यहाँ से। खून किसने किया है उसका पता पुलिस लगा लेगी। तुझे अपना जासूसी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो अगली लाश तेरी मिलेगी। बड़ी आई इल्जाम लगाने वाली। बिल्कुल सही कह रही है नीला ताई, ये जो कुछ भी हो रहा है ना सब तेरी वजह से हो रहा है। हाँ, यहाँ जो भी हो रहा है ना उसकी वजह तुम लोग हो, उसके जिम्मेदार तुम लोग हो। मीना ताई इसी वास्ते चाल छोड़ के गई है। सब लोग सही तो कह रहे हैं, जो लोग मरे है उनका किसी के साथ कोई राड़ा नहीं था, सबको श्राप लगाए तुम्हारे गलत काम का। बस बहुत हो गया, जिसको जो भी सजा मिली है उसको अपने कर्मों की सजा मिली है, उसमें मेरे और मेरे बेटे का कोई भी मतलब नहीं है, समझे? देख ले, एक एक करके सब मर जाएगी, वो अपना बदला लेके रहेगी। ये लो अनंत। थैंक्स। अनंत, वो चश्मे वाली आंटी क्या बोल रही थी, बदला श्राप? अरे छोड़ो इन सब बातों को, वो ब्रोकर ने कहा था ना ये अकेले कुछ भी बात करते, और वैसे भी पहले हम खुद की परेशानी से निपट लें, दूसरों से क्या मतलब। मतलब है अनंत, क्या पता, मतलब कहीं इस घर में कोई भूत प्रेत हो, शायद वो हमें मार दे। योगी नहीं, ऐसी घटिया और अंधविश्वास बातों को छोड़कर ही हमें आए थे ना, और यहां भी अगर वैसी ही बातें करेंगे तो क्या फायदा भागने का? भूत को छोड़ो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। अनंत, देखो कैसी लग रही हूँ मैं, मुझे वो कबर्ड में पड़े हुए मिले। अच्छे लग रहे हैं तुम पर तुम्हारे नहीं है ना, हमें इसे मीना ताई को लौटा देना चाहिए, उन्हीं का सामान होगा, कल सवेरे जाके लौटा देंगे। हम्म।
भगिनी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो तुम? मुझे बहुत प्यास लगी थी तो पानी लेने आई थी। चलो चल के सो जाते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक्स अनंत, एक बार वो चश्मे वाली आंटी से जाकर बात कर ले। ये आखिर माजरा क्या है? क्या है ना कि कल से ना मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक बार बात कर लेंगे ना तो थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। ठीक है, चले जाएंगे। तुम्हें जो भी उनसे पूछना है ना, एकदम अच्छे से पूछ लेना, ठीक है? जी आंटी, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। आंटी वो हम एक्चुअली जानती हूँ तुम उस रजनी के घर में रहने आए हो ना। रजनी? कौन रजनी आंटी? मीना पवार की इकलौती बेटी, इसी चौल में पली बड़ी थी, बिल्कुल अपने माँ पर गई थी। उसके जैसी ही बहुत संस्कारी थी, सबसे अच्छे से घुल मिल जाती थी, सबकी मदद करती थी, दिल और दिमाग से बहुत ही मजबूत थी, किसी से नहीं डरती थी। ए रजनी, क्या खिलाती है रे तेरे माँ तेरे को? खेलेगी मेरे साथ? आना आना खेलेंगे। पूछता क्या यशवंत, इसको तो सीधा खींच लेने का। अरे क्या बोला? मैंने बोला इसको तो सीधा खींच लेने का। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं उन लड़कियों में से हूँ तो तुम जैसे घटिया लोगों को बर्दाश्त करेंगी? आगे से कभी ऐसा सोचा भी ना कि तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत ही सभ्य लड़की थी, बहुत ही सुरीली गाती थी, पर पता नहीं उस दिन उसको क्या हो गया। वो मछवारन का बेटा है ना, बड़ा शाना हो गया आजकल। क्यों? गोली की बेटी को लाइन मार रहा है। कैसे कैसे लोग हैं जानता? अमीना मुझे तुझसे कुछ बात करनी है अकेले में। अब जो कुछ भी है यहाँ पे बता देना, वैसे भी यहाँ एक दूसरे से कुछ छुपता थोड़ी है। वो बात ये है कि मेरी बेटी रजनी और तेरा बेटा राज एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, दोनों की उम्र भी हो गई है शादी की, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर तू कहे तो दोनों का लगन करा देते हैं। पागल हो गई है तू? अरे तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? अरे तुम लोगों की औकात ही क्या है हमारे सामने? देख, बच्चों का दिल तोड़ने से अच्छा है कि हम अपना घमंड तोड़ दे। इतनी बेशरम औरत है रे तू, मैं कब से बोल रही हूँ तेरे मगज में ये बात जा ही नहीं रही है। अरे तेरी बेटी मेरे बेटे के लायक ही नहीं है। मेरे बेटे की शादी तो मैं किसी राजकुमारी से कराऊंगी, तुम्हारे जैसे भिखारियों के साथ नहीं। बात को समझ शांता, रजनी राज के बच्चे की माँ बनने वाली है। अरे देवा रे देवा, तो ये बात है, हमारे साथ रिश्ता जोड़ने के लिए कितना नीचे गिर सकती है, ये मैंने सोचा ही नहीं। मीना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। अगर मुझ पे यकीन नहीं आ रहा है ना तो राज को बुला के पूछ लेना। तो राज किसी काम से बाहर गया है और राज वही करेगा जो मैं कहूंगी। काय जाला? देखा ना हरी बहू, इसकी मुलगी इधर उधर मुंह मार के पेट से हो गई है और ये अब मेरे बेटे को फंसा रही है, और मेरा बेटा तो किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। ये लड़की का चाल चलन तो पहले से ही खराब था, इससे पहले कि ये हमारी लड़कियों को बिगाड़े इसको तो चौल से निकाल दो।
हाँ निकाल दो चल से। और निकाल देना चाहिए। ए सुधा, तमीज से बात करा, तमीज से बात कर। तेरी बेटी ऐसी नहीं है। अरे जाने दो ना ताई, आपको तो आपकी बेटी अच्छी ही लगेगी, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो सिर्फ हम ही जानते हैं। उस दिन हरि भाऊ को अकेले में बुलाया, हाँ, और मैंने पूछा तो उल्टा मुझे ही थप्पड़ जड़ दी। अब आप लोग ही बताइए, कोई भी शरीफ लड़की किसी बड़े आदमी को अकेले में मिलने को क्यों बुलाएगी बोला? अच्छी लड़की तो होती है प्राजक्ता जैसी, जिसे हम सब जानते हैं, और वो बचपन से मेरे बेटे को चाहती है, लेकिन उसने कभी भी कुछ गलत इल्जाम नहीं लगा दी, और मेरे राज की शादी सिर्फ प्राजक्ता के साथ होगी, तुम्हारी बच्चलन बेटी से नहीं। देख शांता, तुझे कुछ तो गलतफहमी हो गई है, मैं तेरे हाथ छोड़ती हूँ, मेरी बेटी के बारे में ऐसा मत सोच। अगर तुझ में जरा सी भी शर्म बाकी है ना, तो यहाँ तमाशा बनने से पहले यहाँ से निकल और अपनी बेटी को जाके पूछ कि किसका बच्चा लेके वो अपने पेट में घूम रही है। शांता, देखा, मैं तो पहले ही बोलता था इसकी लड़की का चरित्र खराब है। निकलो इन लोगों को चाल से। हाँ हाँ निकाल दो, निकाल दो इसको, नहीं रखने का ऐसे लोगों को यहाँ पर। सबको मालूम है उस दिन उसने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। शॉल में बहुत उदासी छा गई। मीना को इस शॉल में रहा नहीं जा रहा था, वो यहाँ से चली गई। लेकिन उसके जाने के एक रात पहले यशवंत शंकर और हरिप्रसाद की मौत हो गई, और जिस दिन आप लोग आए ना उसी दिन उस सीमा और उसकी उसके पति की भी मौत हो गई। मुझे पक्का यकीन है ये सब वही कर रही है, वही कर रही है जिसने उसको मरने पर मजबूर किया ना, उन सबको वो एक एक करके मार डालेगी, एक एक करके मार डालेगी। ये बुढ़िया जब देखो उल्टा सीधा बोलती रहती है, कीड़े पड़े इसके मुंह में, कीड़े। राज। क्या रजनी, मैंने तुम्हें डराने की कितनी कोशिश की और तुम डरी नहीं। डरते वो लोग हैं जो कुछ गलत करते हैं, जो प्यार करते हैं ना वो नहीं डरते तुम्हें छोड़कर। क्या मतलब, मैं नहीं डरता। अच्छा नहीं डरते? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अपनी आई को हमारे रिश्ते के बारे में क्यों नहीं बताते? अब बता दूंगा, जल्दी बता दूंगा, जब टाइम आएगा तब जरूर बता दूंगा। तब तक क्या? तब तक गुड कॉफी। तब तक हम यहाँ खड़े होकर थोड़ा सा राज राज तुम इस शादी से खुश तो हो ना? तुम मेरे और रजनी के बारे में जानती थी? नहीं, वो तो जिस दिन रजनी ने सुसाइड किया उस दिन पता चला मुझे। देवा शपथ, उससे पहले नहीं जानती थी मैं भी ना। कैसी बातें लेके बैठ जाती हूँ, जो हुआ सो हुआ।
अभी हमें आगे का सोचना है। राज, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे दादर को जाना है, लहंगा लेने जाना है, कल वापस आऊंगी। चाय पीने आओगे? नहीं, तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। यार, मुझे नहीं लगता अनंत और योगिनी ऐसी जगह पर आकर रुकेंगे। जी चल कहीं और चलते हैं। अरे मौसी जी, आपने इन्हें कहीं देखा है? क्या ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं? आपको इससे क्या लेना देना? अरे जितना पूछा उसका जवाब दो ना, देखा है कहीं पे? नहीं देखा। हाँ ताऊ, चिंता ना करो ताऊ, मैं उन्हें ढूंढ कर ही लाऊंगा। मेरे हाथ से आज तक कोई नहीं बचा। थोड़ा सब्र करो, मैं उन्हें लेकर ही आऊंगा। रखता हूं। को नहीं छोड़ेगी, सब मरेंगे। किसी को नहीं छोड़ेगी रजनी, सब मरेंगे। रजनी अपना बदला लेके रहेगी, और तू, तेरे बेटे की तो वो शादी भी नहीं होने देगी, समझी? कभी नहीं होने देगी। सब मरेंगे, मरेंगे। सही कहती नीला ताई, ये सब इन माँ बेटों के कारण हुआ है। इनकी गलती की सजा सबको मर के चुकानी पड़ रही है। ना तुम उसके माँ की इतनी बेइज्जती करती, ना वो ऐसा कदम उठाने पर मजबूर होती। गलती तो राज की है, भोली भाली लड़के को अपने जाल में फंस कर पेट से कर दिया और शादी भी नहीं करी। पापी हो तुम लोग। अब हम सबकी भलाई इसी में है कि हम सब ये चाली छोड़कर चले जाए, वरना ये सबको मार देगी। हम ये चाल छोड़कर चले जाएंगे, रह भी नहीं सकते। कैसे रहेंगे यहाँ? बिल्कुल नहीं रहना, रह रहेंगे हम लोग। ऐसा मत कर प्राजक्ता, मेरी बात तो सुन। ताई मुझे जाने दीजिए। देख प्राजक्ता,
लोग तो कुछ भी बोलेंगे बेटा। अरे दो दिन बाद तेरी शादी है। कैसे शादी ताई? मेरी तो आई भी मर गई। अरे ऐसा मत बोल, मैं भी तो तेरी आई हूँ। देख अकेली पड़ गई है तो कितना घबरा गई है। अच्छा यही होगा कि तुम मेरे घर की बहू बन जा। राज से प्यार करती है ना तुम? चल तो फिर तुझे राज की कसम कहीं नहीं जाएगी, ठीक है? हम तो रजनी के घर पे रह रहे हैं, उसने आसपास के लोगों को मारना शुरू कर दिया, वो हमें भी मार देगी। अरे तुम ऐसी बातें करना बंद करो यार, हमने ना रजनी का कुछ बिगाड़ा और ना ही उसकी मम्मी का। लेकिन बाकी लोग भी तो छोड़कर जा रहे हैं ना डर के। प्लीज प्लीज हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए प्लीज। योगिनी तुम पागल हो गई हो क्या? जो हमारी हालत है ना उसमें इसके अलावा और कोई जगह हमें मिल ही नहीं सकती रहने के लिए। सरपंच के आदमी हमें हर जगह ढूंढ रहे, बस यही एक जगह जहाँ वो कभी नहीं पहुंच सकते। किसी ने अगर भाग देख लिया ना हमें सीधा मार देंगे। अरे मर तो हम यहाँ भी जाएंगे ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तो क्या करें क्या करें? कुछ नहीं होगा हमें, अगर उसे हमारे साथ कुछ करना ही होता तो अब तक कर चुकी होती। घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अनंत खिड़कियां बंद कर दो प्लीज, कोई डर लग रहा। ठीक है। अपनी आई को हमारे रिश्ते के बारे में क्यों नहीं बताते? जब टाइम आएगा तो जरूर बता दूंगा। तब तक क्या? तब तक हम यहाँ खड़े होकर थोड़ा सा। राज ताई, रजनी भी मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है और वहां पे उसका नाम बहुत खराब है, 3-4 लड़कों से चक्कर चल रहे हैं उसके। प्राजक्ता, 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 प्राजक्ता। राज, राज, राज तुम हो? राज, 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 मुझको और मेरे बेटे को अब आप ही बचा सकते हो पंडित जी। उसकी आत्मा हम दोनों को मार डालेगी, वो मेरे बेटे के मंगेतर को भी मार चुकी है।
जरूर इसमें कोई गहरा कारण है। वो बिना बात के ऐसा कुछ नहीं करती। जरूर तुमने ही कुछ पाप किया है जिसकी सजा वो तुम्हें दे रही है। तुम सच सच मुझे बता दो क्या बात है। मुझे नहीं लगता है कि तुमने सब सच बताया है। कुछ तो है जो तुम छिपा रही हो। नहीं पंडित जी, जितना मैं जानती थी मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। सच और झूठ क्या छुपा है और क्या सामने है सब पता चल जाए। हेलो मीना ताई, ये आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जब से हम इस घर में रहने आए अजीब अजीब हरकतें हो रही है। जी हमने ब्रोकर को भी बताया मगर वो हमारी बात समझने को बिल्कुल तैयार नहीं। योगिनी बहुत डरी हुई है। हाँ ठीक है, मैं जल्द आती हूँ। ओम विष्णुये नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम विष्णुये नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम विष्णुये नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम विष्णुये नमः। आई बोल, क्यों बुलाया है मुझे? आई आई क्या हुआ तुझे? आ गई तू? क्यों मारना चाहती है बिना वजह इन लोगों को? बिना वजह कोई किसी को नहीं मारता। ये सब लोग अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं। इस शांता ने मुझे मारा है। भाई क्या बोल रही है तू? कायर है तू, अपनी माँ के पल्लू के पीछे छुप गया, मेरा साथ नहीं दिया और मेरे मरते ही प्राजक्ता से शादी करने के लिए तैयार हो गए। सबको मारूंगी, पहले तेरी आई को फिर तुझे। तू किसी और की सजा इन मासूमों को क्यों दे रही है? किसी और का गुस्सा इन लोगों पर क्यों उतार रही है? इनको मारने के बाद तेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। जो करना है कर ले, कुछ नहीं कर पाएगा तू। मेरा बदला मैं लेके रहूंगी। ओम विष्णुये नमः स्वाहा। है दम तो रोक के बता मुझे। रजनी, मेरे बच्चे, मत करिए सब। अब कुछ नहीं बोलेगी तू। जिन लोगों ने तुझे बेइज्जत किया मैं सबका बदला लूंगी। नहीं मेरे बच्चे, इसमें शांता की कोई गलती नहीं है। गलती तो बस मेरी है। मैं अगर तेरा साथ देती तो आज ये सब नहीं होता। तेरी वजह से मुझे सबके सामने जलील होना पड़ा। सिर्फ तेरी वजह से। इससे अच्छा कि तुम मर जाती। कम से कम ये दिन तो देखना नहीं पड़ता मुझे। तेरे साथ साथ मेरी भी इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी। पाल पोस के इतना बड़ा किया उसका, इसका ये नतीजा दिया तूने। अपने साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अब कौन शादी करेगा तुझसे? कौन रिश्ता जोड़ेगा?
इससे अच्छा तू मर क्यों नहीं जाती? मर जा तू। मुझे माफ कर, छोड़ दे इन लोगों को। इनको मारने से कुछ नहीं मिलेगा बेटा। मैं हाथ जोड़ के तेरी विनती करती हूँ। तू अच्छी बच्ची है ना? कहना मान जा मेरा बेटा, मान ले मेरी बात। वो चली गई आई, सब ठीक हो जाएगा। आई आई वो गई, वो आई, अब सब ठीक हो जाएगा। अब सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया। नहीं आंटी प्लीज, आप ऐसे मत बोलिए। आंटी ये कुछ सामान था, आप ही के घर से मिला, शायद रजनी का है। ये आप रख लीजिए। नहीं इसे अब मैं नहीं ले सकती, ये तो अपने पास ही रख ले। तू भी तो मेरी बेटी जैसी है ना, सोचूंगी अभी भी ये रजनी के ही पास है। रख लो। ठीक है, धन्यवाद, अब हम चलते हैं। शुक्रिया। अच्छा अपना ख्याल रखना। चलो इस तरफ चलते हैं।